बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई। लगातार कई दिन से हो रही बारिश की वजह से दोनों ही राज्यों के कई जिले बाढ़ की चपेट में। लेकिन सबसे खराब हालात तेलंगाना के नजर आए। वहां बारिश की वजह से ज्यादातर नदियां उफान पर आ गईं। हालात ऐसे हो गए कि एनडीआरएफ को मोर्चे पर उतरना पड़ा। निजामाबाद से सामने आई तस्वीरों में एनडीआरएफ के जवान कुछ लोगों को बचाते नजर आए। ये लोग नदी के किनारे बने एक घर में फंस गए थे, जिसके बाद उन्हें निकालने के लिए एनडीआरएफ की मदद लेनी पड़ी। इसी तरह कर्नाटक में भी भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए। वहां के बेलगावी से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां पहाड़ खिसकने की वजह से एक ट्रेन उसके मलबे में ही दब गई। ट्रेन के कई डिब्बे मलबे में कई फीट धसे दिखाई दिए, जबकि कई डिब्बे पटरी से उतर गए। ऐसे ही एक दूसरी तस्वीर में तो डिब्बे के अंदर बारिश का पानी झरने की तरह बहता नजर आया। खिड़की से पानी आता देख अंदर मौजूद यात्री भी सहम गए। रिहायशी इलाकों में भी बारिश और बाढ़ की वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। भारी बारिश की वजह से सड़कें तालाब बन गईं। उनमें इतना पानी भर गया कि वहां खड़ी गाड़ियां आधी से ज्यादा डूबी दिखाई दी। सामने आई तस्वीर में एक मंदिर का निचला हिस्सा पूरी तरह पानी में डूबा दिखाई दिया। लोगों के मकानों और दुकानों में भी पानी घुस गया।